हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से केक बिजनेस और केक शॉप को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं और इसमें कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी केक शॉप को ओपन कर सकें। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि कौन सी मशीन किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से आप केक के स्पंज को बनाते हैं, फिर उसे किस तरीके से केक स्पंज को डेकोरेट करते हैं केक के लुक में। तो ये सारा का सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इससे आपको आइडिया लगेगा कि केक बिजनेस और पेस्ट्री बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें तीन मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है, आप देख सकते हैं, ओवन, मिक्सर और डिस्प्ले काउंटर, जिसमें कि आप अपना शोकेस कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टाइप से आप अपने केक को बना सकते हैं इन तीन मशीनों की हेल्प से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन फॉर वॉचिंग लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड टू बेकरी इक्विपमेंट एंड केक इक्विपमेंट। आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सारे ओवन्स हैं जिनमें आप केक के स्पंज या पिज्ज़ा और किस तरीके से आप पिज़्ज़ा सेटअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों के लिए ही सेम इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी केक शॉप के लिए रिक्वायरमेंट होती है प्लेनेटरी मिक्सर की, जिसमें आप अपने केक के बेस को बनाते हैं और अपनी व्हिप क्रीम को यूज़ करते हैं, जो इससे आप अपने केक को डेकोरेट करते हैं। तो ये प्लेनेटरी मिक्सर आपका दो वर्क करता है, आपकी केक के बेस को रेडी करता है जिससे आप ब्रेड बनाते हैं, और उसके बाद सेम ही मिक्सर आपका क्रीम के लिए भी होता है जिससे आप अपनी व्हिप क्रीम बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बाउल हाफ है और थोड़ी देर में ही ये पूरा का पूरा बाउल फिल हो जाएगा प्रूफ होने की वजह से। तो ये पूरा 20 लीटर्स का है और नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है पूरा का पूरा। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मशीन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं जो इसका बेस है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इनको हम ट्रेस में डालेंगे। आपका जो केक का बेस है वो रेडी हो चुका है और उसके बाद ट्रे में डाल के ओवन में डालेंगे और उसके बाद हम इसे डिज़ाइन देंगे केक स्पंज में। आप देख सकते हैं जो हमने प्लेनेटरी मिक्सर में आपका केक का बेस बनाया था स्पंज का, वो हमने ट्रेस में पुट कर दिया है। ट्रे में पुट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ओवन को प्री हीट किया हुआ है 190 पे टॉप और बॉटम का, और यहाँ पर 23 मिनट्स का टाइमर सेलेक्ट किया हुआ है। जो हमने प्लेनेटरी मिक्सर में अपने केक के स्पंज का जो ब्रेड बनाया है वो हमने ओवन के अंदर पुट कर दिया हुआ है। अब वो एक केक स्पंज में डेकोरेट हो जाएगा, वो भी मैं आप दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 23 मिनट्स का टाइमर यूज़ किया है और टॉप एंड बॉटम दोनों ही 190 पे हैं, और ये ऑटोमेटिक एडवांस गैस ओवन है जिसमें आपका टाइमर है अलार्म के साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया है। केक के बेस जो स्पंज होता है उसको बनाने के लिए प्लेनेटरी मिक्सर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद फिर आपका ओवन की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप अपने स्पंज को बेक करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा बेक हुआ है और यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं अब 21 मिनट बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइमर है वो 2 मिनट्स का रह गया है। ये मैंने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया ताकि जो वीडियो की लेंथ है वो कम हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल को, और आप कॉल कर सकते हैं 9717463679 या 9891709656 पर। वहाँ पर भी कॉल करके आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है केक बिजनेस में, और सेम ही इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप पिज़्ज़ा शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उसमें भी सेम दोनों ओवन और मिक्सर और जो थर्ड है आपका डिस्प्ले काउंटर की जगह चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें आपको मेक लाइन की रिक्वायरमेंट होती है जिसपे आप अपने पिज़्ज़ा को स्ट्रेच करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइमर है वो कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं जो आपके केक का स्पंज है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा वनीला फ्लेवर में है, तो हल्का सा आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में है, और इसके बाद इसको कन्वर्ट करके इसको केक का लुक देंगे और वो भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। मैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका केक का स्पंज है वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। इसमें जो फर्स्ट था हमारा, हमने इसे लिक्विड में कन्वर्ट किया था जो केक के लिए, और आप देख सकते हैं वो जो ब्रेड है ब्रेड को हमने यूज़ किया हुआ है कटिंग्स में, और इसके बाद ये डेकोरेट कर देंगे पूरा। आप देख सकते हैं केक बन जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस में आपने देखा है कि किस तरीके से प्लेनेटरी मिक्सर जो स्पंज को बनाने के लिए
हमें बेस की ज़रूरत होती है वो फिल करता है, उसके बाद हम इसे ट्रे में डाल के अवन के अंदर रखते हैं ताकि हमारा केक स्पंज रेडी हो जाए। और जो तीसरा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको डेकोरेट किया जाता है, और जो विप क्रीम है ये भी प्लेंटी मिक्सर में बनती है। उसके बाद फिर हम इसे डिस्प्ले काउंटर में रख देते हैं शोकेस के लिए। तो इन तीन मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको केक शॉप ओपन करनी है या पेस्ट्री शॉप ओपन करनी है। और यहाँ ये बेकरी शॉप में भी इंक्लूडेड होती है, यही मशीनें बेकरी शॉप्स के लिए भी चाहिए होती हैं। तो इसमें आप इस एडवांस गैस ओवन में आप हर टाइप के केक या ब्रेड या पिज्ज़ा सारे के सारे बेकरी का फूड स्टफ बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर केक पूरा का पूरा डेकोरेट है, जैसा कि मैं आपने वीडियो में पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पर कुछ स्नैपशॉट हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल को। और आप हमें सर्च कर सकते हैं नेट पे एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट, और मेल कर सकते हैं info@akefoodequipments.com पर, और कॉल कर सकते हैं 9717463679 या 9891709656 पर, या विजिट कर सकते हैं www.akefoodequipments.com पर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर के साथ, ताकि हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन देख सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।